उड़ीसा के पुरी रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। ये हादसा पुरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि कोच की खिड़कियां टूटकर प्लेटफॉर्म पर जा गिरी। ब्लास्ट में ट्रेन के पेंट्री मैनेजर समेत 2 लोग घायल हैं। निकले थे और मैं पानी की टंकी पर अपना पेंट का सही कर रहा था, उसी टाइम एकाएक धमाका हुआ और मैं उधर आ गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन को मरम्मत के लिए लाया गया था और पूरी ट्रेन खाली थी। ट्रेन में पुलिस को करीब 10 LPG के सिलेंडर मिले हैं। रेलवे ने ब्लास्ट की जांच का आदेश दे दिया है। पंजाब के फरीदकोट में रेलवे की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फरीदकोट के जैतो कस्बे के इस रेलवे फाटक पर कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है। यहाँ से रोजाना कई ट्रेनें गुजरती हैं। कोई हादसा ना हो इसके लिए ट्रेन का ड्राइवर रेलवे फाटक से पहले ही ट्रेन को रोकता है, फिर गार्ड नीचे जाकर रेल फाटक को बंद करता है। गार्ड के हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन रेल फाटक को क्रॉस करती है। इसके बाद टीटी नीचे उतरता है और रेल फाटक को खोलकर फिर से ट्रेन में चढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से रेल फाटक यूं ही खुला रहता है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये 2 दिन हो गए भाई जी, ये खुला ही रहता वा, ये किसी वेले भी जानी माली नुकसान होने का डर है। 2 दिन हो गए इतने कोई मुलाजम नहीं गा। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में 7,500 रेल फाटक ऐसे हैं जहां कोई भी कर्मचारी नहीं है। पाकिस्तान और पंजाब प्रांत की PMLN सरकारों को हटाने की मुहिम के तहत विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक पार्टी से ताहिर उल कादरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी ने आंदोलन की कमान संभाली। सभी के निशाने पर नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार रही। ये पाकिस्तान में माफिया कंट्रोल है, इसके खिलाफ अवाम, जब तक अवाम इस चीज को नहीं समझेगी और इंशाल्लाह ये इलेक्शन में ये नजर आएगा, तब तक ये आएंगे डेमोक्रेसी के नाम पर लूटते रहेंगे। दिल्ली में NDMC अपने स्कूलों में मशीन्स के जरिए सैनिटरी नैपकिन देगी। NDMC अपने 30 स्कूलों में किशोरी योजना के तहत सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाएगी। करीब 5,000 लड़कियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। सैनिटरी पैड्स का सालाना बजट करीब 25 लाख रुपए है। जब हम लोग बच्चों को खुद मोटिवेट करेंगे कि उनके टॉयलेट में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाएंगे और एक उनको सेफ डिस्पोजल के लिए एक हम इंसिनरेशन प्लांट लगाएंगे, सो दैट उसका ये सेफ डिस्पोजल हो। भारत में करीब 20% लड़कियां पीरियड शुरू होने के बाद स्कूल छोड़ देती हैं। NDMC की तरह देश के बाकी स्कूल भी ऐसे कदम उठाएंगे तो लड़कियों की शिक्षा को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और अब अगर आपने दिल्ली को गंदा करने की कोशिश की तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साउथ दिल्ली नगर निगम ने इधर उधर कचरा फेंकने वालों पर 50 रुपए से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का नियम बनाया है। साउथ दिल्ली नगर निगम के मुताबिक अब घरों से कूड़ा उठाने के लिए भी चार्ज देना होगा। घर से कूड़ा उठाने के लिए 80 रुपए से 150 रुपए तक हर महीने देने होंगे। अगर गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं किया तो भी जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर या फिर नाले नालियों और पानी के खुले स्रोत में कूड़ा फेंकने, जलाने या जमीन में गाड़ने पर जुर्माना देना होगा। घरों के लिए 5,000, होटल रेस्टोरेंट मॉल और इंडस्ट्रीज के लिए 10,000 से 20,000 तक का जुर्माना होगा। कमर्शियल इमारतों को हर महीने कूड़ा उठाने के लिए 2,000 रुपए देने होंगे। अगर स्ट्रीट वेंडर्स कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकेंगे तो 500 रुपए का चालान किया जा सकता है। रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस, ये 3 चीजों पे एम्फेसिस है। इन तीनों चीजों को ही बढ़ावा देने के लिए अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी बने हैं और अब ये बायलॉज भी बने हैं।